आज बनाएंगे इंस्टेंट गुजिया बिल्कुल नए तरीके से। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसी होली स्पेशल गुजिया लेकर आई हूँ जो बनेगा बिना मावा, बिना चाशनी और बिना गैस जलाए। होली स्पेशल इंस्टेंट गुजिया रेसिपी, स्वाद ऐसा कि जो खाए तारीफ किए बिना रह न पाए। चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिया है मैंने 1 कप दूध पाउडर, 1/4 कप नारियल का बुरादा और 1/4 कप मिश्री पाउडर, और मीठा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें इसे डालकर पल्स पर इसे 2 से 4 बार चला लेंगे। आप मिश्री पाउडर के जगह पे शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो चलिए इसे अब हम मिक्सर बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब हम लेंगे 1/2 कप मलाई या फिर 1/2 कप ठंडा दूध, और इस दूध या मलाई को दूध पाउडर के मिश्रण में डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए डो बिल्कुल अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसमें हम 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देते हैं। घी ऐड करने से एक तो ये चिपकेगा नहीं हाथों में और दूसरा इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, इस डो को हमने घी के साथ भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको रखेंगे साइड में और अब हम चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिया है मैंने काजू बादाम और खजूर, आप कम ज्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ इसे 10 से 15 खजूर लिया है और 1/4 कप काजू और 1/4 कप बादाम लिया है और 4 से 5 इलायची के दाने को कूट लिया है। तो चलिए इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सर जार में डालकर इसे 2 से 4 बार पल्स पे चला लेंगे और ध्यान से हम इसे ग्राइंड करेंगे। मिक्सर को लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक के 2 से 4 बार इसे हम पल्स पे ही चलाएंगे। तो देखिए खजूर हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब हम काजू और बादाम को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फाइनली काजू बादाम भी हमारे पीस चुके हैं, अब इसे हम इसी में वापस डाल देंगे और साथ में डालेंगे कुटा हुआ इलायची का पाउडर, 1 टेबल स्पून घी और 1/4 कप नारियल का बुरादा, और इन सबको हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वैसे दोस्तों आप खजूर के जगह पे गुड़, खांड, मिश्री पाउडर या फिर बूरा भी डाल सकते हैं। तो देखिए मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है और हमारा डो बनकर पहले ही रेडी हो चुका है। तो इसके बाद क्या करेंगे कि एक ऐसा प्लास्टिक लेंगे और हाथों में, और उस प्लास्टिक पे थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और कोई एक चम्मच ले लेंगे और डो में से उठाएंगे और उसी से नाप करते हुए, ताकि हमारा जो भी गुजिया बने एक साइज का बने, उसी से लेकर के हम ऐसा एक गोल पेड़ा बनाएंगे और इसे ऐसे प्लास्टिक के बीच में दबाते हुए इसका पूड़ी तैयार कर लेंगे। देखिए आप इसे फिंगर की सहायता से या बेलन की सहायता से जैसे चाहे इजली आप बना सकते हैं। और एक लेंगे हम गुजिया का साचा और उसमें अच्छे से घी लगा लेंगे और इस बेले हुए पूड़ी को गुजिया मेकर के ऊपर उठाकर रख लेंगे और फिर इसमें भरेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग तैयार किया हुआ है। इस स्टफिंग में से 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे और मोल्ड को फूल के हाथों से दबा देंगे और इसके साइड को वापस उसी डो में निकाल कर रख देंगे। देखिए कितना अच्छा ये गुजिया हमारा बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। दोस्तों आपने हर तरह की गुजिया खाई होगी, मावा गुजिया, सूजी गुजिया, चाशनी वाली गुजिया, मैदा की बनी तली हुई गुजिया, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी गुजिया खाई है जो बिना मावा, बिना चाशनी, बिना सूजी, बिना मैदे और बिना तले हुए, बिना गैस जलाए बनाई गई हो, लेकिन खाने में लगे लाजवाब? अगर नहीं तो इस होली आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे विश्वास है ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सारे गुजिये को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। आइए मैं आपको इसी मिश्रण से एक चंद्रकला भी बनाकर बताती हूँ। तो देखिए 2 पूड़ी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे और पूड़ी के सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और दूसरी पूड़ी को
उस स्टफिंग के ऊपर रख करके और एक गिलास या गोल कटर से काट देंगे। देखिए मैंने इस तरीके का गिलास लिया है, बस इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसके साइड को निकालकर हटा देंगे। तो देखिए कितना अच्छा गोल शेप आया है इसका। फिर इसे फिंगर की सहायता से अच्छे से हम दबा देंगे। फिर इसके साइड में डिजाइन बनाने के लिए हम कांटे वाला चम्मच लेंगे और इसकी सहायता से डिजाइन बनाकर चंद्रकला शेप में ये गुजिया तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, चंद्रकला भी आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब हम फटाफट इन सब की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, होली स्पेशल इंस्टेंट गुजिया तैयार हो चुकी है। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है। आप घंटों मेहनत किए बिना बहुत सारे इंस्टेंट गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस होली इसे जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।